Hello dear students, welcome to my channel. Today we will be discussing about chapter number 1 from history textbook of class 10 Seva Board. The chapter's name is Partition of Bengal and Swadeshi Movement. So is chapter mein hum log janenge ki Partition of Bengal karne ka maksad aur uska background kya tha. Saath hi saath hum log janenge ki kaise Partition of बंगाल की वजह से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड स्वदेशी मूवमेंट के क्या रिज़ल्ट थे और स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ. हम लोग साथ ही साथ जानेंगे कि नेशनल लिटरेचर, नेशनल एजुकेशन कैसे इमर्ज हुआ ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट. देन वी विल आल्सो टेक अ ब्रीफ लुक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट. Then we will see that how national industry arose. Then we will see the establishment of Muslim League, ek party. Okay. Then we will study about Swadeshi movement and Indian National Congress. Thereafter, we will be studying about anti-movement activities of the government. That is how government tried to curb or suppress the Swadeshi movement. And lastly, we will be looking at what was the contribution of Swadeshi movement in the larger scheme of things. All right, so let us begin. The video is a little shaky, so please I apologize for that. So let us begin with some basics first. So students, do remember ki Swadeshi movement या फिर स्वदेशी का मतलब था कि पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड स्ट्रेसिंग अपॉन स्वदेशी. इट मीन्स नेशनली जो भी प्रोड्यूस हो रहा था या फिर नेशनल स्कूल्स, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंडस्ट्रीज, नेशनल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश मेड और फॉरेन गुड्स. सो ये उनका मकसद था कि वो लोग जो भी इंडिया में जो भी बनी हुई चीज़ है उसका वो लोग उपयोग करें. सो यही अंडरलाइन था स्वदेशी मूवमेंट का और वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ही प्रोसेस में आया. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट प्लीज़ नोटिस कि वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, ओके, सो ही प्रिसाइडेड ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो वेन एवर यू हियर द टर्म पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1907, सो यू विल से sorry it's 1905, so you will say that it was Viceroy Lord Curzon. Okay, so what happened was that province of Bengal was partitioned into Eastern Bengal and Assam, and West Bengal may include hua tha Bihar and Orissa ke region. So before going further, I would like you to understand ki ye samjho ki province of Bengal jo tha British India ka sabse richest और सबसे फर्टाइल रीजन था. और आज का जो हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. सो मॉडर्न डे बांग्लादेश का एरिया, ओके, पार्ट्स ऑफ बिहार, ओडिशा वाज ऑल इंक्लूडेड इन द बिग बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ऑलराइट, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रोविंस ऑफ बंगाल को इसलिए भाग कर दिया गया, उसका पार्टीशन कर दिया गया, और उसका न्यू भाग जो बना 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा वो किया था ईस्टर्न बंगाल एंड असम एक साइड में, एंड दूसरे साइड में हो गया वेस्ट बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा के रीजन इंक्लूडेड थे. सो क्वेश्चन आता है कि क्यों किया गया. जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो लोग अपना व्यू पॉइंट ये रखते हैं, और वैसे भी स्वदेशी मूवमेंट में जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग का ये मानना था कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नेशनल कॉन्शियसनेस और अपराइजिंग को सप्रेस करना चाहती थी. ओके, सो बिकॉज इफ़ यू हैव नोन दैट बंगाल वाज द रीजन, वाज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द एंटी ब्रिटिश लिटरेचर वाज कमिंग अप, वहाँ पे ही फर्स्ट कॉलेज एजुकेशन ये सब हुआ था. वहाँ के लोग राजा राम मोहन रॉय के हम लोग के बारे में पढ़ते हैं, देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक्सेट्रा.
सो वहाँ पे एक तरीके का सोशल मूवमेंट बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था और पीपल वेर डिस्कसिंग क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज. ओके सो पीपल फेल्ट दैट इट वॉज ओनली ड्यू टू कि एंटी ब्रिटिश जो कॉन्शियसनेस है, एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ना उभरे लोगों के दिल में. सो इट वॉज बेटर टू डिवाइड दिस प्रोविंस. ओके ताकि जो एकजुटता है वो ख़त्म हो जाए. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिवाइड एंड पॉलिसी. आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. सो दिस वॉज द बेसिस एज पर एज सम हिस्टोरियंस. वेर एज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नंबर बी में देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया. नाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बंगाल रीजन बहुत ही ह्यूज था. सो उसको मैनेज करना बाय सम वन ऑफिसर और कमिश्नर वॉज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से उसको डिवाइड कर दिया गया था कि एरिया जो गवर्न करना हो वो छोटा हो जाए. ओके ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से बहुत सारे एरियाज डिवाइड होते रहते हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट होता रहता है इन मॉडर्न टाइम्स. इफ़ यू सी इंडिया में जैसे कि बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को अलग कर दिया गया था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. देन वी सी असम में भी बहुत सारे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हुए हैं. इट वॉज ऑल बिकॉज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ओके सुगम बनाने के लिए, कन्वीनियंस मीन्स ईजी, कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूल करने में ईजी हो. ओके